इंडिया पोस्ट न्यूज, जज्बा सच दिखाने का। संदिग्ध परिस्थितियों में मिला अर्धनग अधेड़ व्यक्ति का शव। दुकान में आग लगी, लाखों का सामान। सीतापुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां यूपी के थाना इमलिया सुल्तानपुर के क्षेत्र चौकी काजी कमालपुर के अंतर्गत ग्राम पंचायत जगना में एक 50 वर्ष के आदमी की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मृतक के शरीर पर मिले चोटों के निशान व मृतक की दोनों आंखें भी मौके पर फूटी मिली। आपको बताते चले, बीती रात एक 50 वर्ष के व्यक्ति का शव गाँव के बाहर पड़ा मिला, जिसकी सूचना चौकी काजी कमालपुर को आज सुबह दिया गया। प्रार्थना पत्र देने के बाद मौके पर चौकी पुलिस पहुंचकर शव अपने कब्जे में ले लिया और शव का पंचनामा कराकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। किराना दुकान के आसपास रहने वाले लोगों के साथ व्यक्तियों ने जैसे तैसे किराना दुकान ब्यूरो रिपोर्ट सीतापुर एक घंटे के प्रयास के बाद तोड़ा। इसके बाद बाल्टियों की मदद से आग पर पानी डाला गया। थाना क्षेत्र की पुलिस हेड कांस्टेबल अशोक पाठक अपने स्टाफ के साथ तुरंत पहुंचकर आग बुझाने के हर संभव प्रयास पर काबू कर पे आग पर काबू पाया। तेजी से दुकान में आग फैलने के कारण सारा सामान राख हो गया। संजय ने बताया कि दुकान में लाखों रुपए का सामान था, नगदी भी थी। घर में बहन की शादी भी है परसों, जिस कारण शादी में प्रयुक्त होने वाला सामान भी दुकान में था। संजय ने बताया कि दुकान के अलावा अन्य कोई आमदनी का जरिया नहीं है। भारी नुकसान के बाद बहन की शादी कैसे होगी, मांग पर अड़े ग्रामीणों ने रोड जाम कर दिया। रोड जाम की सूचना मिलने पर SDM बिस्वा अनुपम मिश्र, CO बिस्वा, थाना सकरन पुलिस टीम ने समझा बुझाकर ग्रामीणों को डेढ़ घंटे बाद हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद रोड खाली कराई गई। पूर्व बिस्वा विधायक निर्मल वर्मा भी घटनास्थल पर पहुंच कर अग्नि पीड़ितों की यथासंभव मदद करने का आश्वासन दिया। सीतापुर से मोहित मौर्य की रिपोर्ट। डिस्ट्रिक्ट सीतापुर, थाना सुल्तानपुर, तहसील मोहल्ला।